हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्पोर्ट्स सेक्शन में आज चैप्टर 3, इसमें हम कंटिन्यू करेंगे एशियन गेम्स या जिन्हें हम एशियाड के नाम से जानते हैं। हमने स्टार्ट किया था ओलंपिक, देन इसके बाद कॉमनवेल्थ और अब एशियन गेम्स। उसके बाद ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ये जो वीडियो लेक्चर हैं, ना सिर्फ स्टेट पीएससी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप देते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उन सब में हेल्प करेंगे। यहाँ पर ये जो बेसिक चीज़ें आपको इसमें ट्रेडिशनल वो इंक्लूडेड रहता है, साथ ही साथ हम भारत के रिलेशन में चीज़ें आपको कनेक्ट करके बताते हैं। यहाँ सबसे पहले आप ये जो लेफ्ट साइड में पिक्चर देख रहे हैं, उगता हुआ सूरज दिखाई देता है, ये एशियन गेम्स का सिंबल है। यानी एशियन गेम्स को इसी प्रकार के फ्लैग यानी झंडे के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करें एशियन गेम्स, इनको हम एशियाड के नाम से भी जानते हैं। ये हैं क्या? ये महाद्वीपीय यानी एक से अधिक प्रतिस्पर्धाओं वाले गेम होते हैं। महाद्वीपीय एक से अधिक प्रतिस्पर्धाओं वाले गेम्स हैं, यानी कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड एवरी 4 ईयर। ये जो गेम्स हैं इनका भी आयोजन हर 4 साल के बाद होता है। कॉमन सी चीज ओलंपिक 4 साल के बाद, कॉमनवेल्थ 4 साल के बाद, एशियाड भी आफ्टर एवरी 4 ईयर। ये जो एशियन गेम्स हैं अभी तक 9 देशों में आयोजित किए जा चुके हैं, यानी 9 नेशंस होस्टेड बीच गेम्स। और इन गेम्स में अभी तक 46 देशों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। इजराइल ने भी पार्टिसिपेशन किया था, बट कुछ देशों के अपोज करने के कारण कभी ऐसा रहा कि फिर इजराइल पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो मोटे तौर पर 46 देशों ने पार्टिसिपेशन कर चुके हैं। इन गेम्स की जो शुरुआत होती है वो आपके महान देश की महान राजधानी नई दिल्ली से 1951 में। सॉरी, आपका ही देश नहीं, मेरा भी देश है, हम सबका देश है और हम सब महान, हमारा देश महान। ये जो गेम्स हैं, इन गेम्स को शुरू करने में यानी इनकी शुरुआत करने में किसी ना किसी का महत्वपूर्ण योगदान, वो व्यक्ति कौन थे? प्रोफेसर जीडी सोढ़ी, और दूसरे व्यक्ति का नाम आता है यादवेंद्र सिंह। इनका मेजर रोल था यानी महत्वपूर्ण भूमिका थी इन गेम्स को स्टार्ट करने में। और साथ ही साथ आप कहीं पर देख सकते हैं कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री मिस्टर नेहरू, उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर था। मिस्टर नेहरू यानी प्रधानमंत्री जो भारत के थे, उन्होंने इसका एक उद्देश्य बताया इन गेम्स का। वो उद्देश्य क्या है? एवर ऑनवर्ड यानी सदा आगे की ओर, हमेशा। ठीक, ये इसके बारे में कॉमन सी बातें हो जाती, कॉमन कह लो, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बात करते हैं एशियन गेम्स के थोड़ा सा डीप में चल करके। इन गेम्स को कौन ऑर्गेनाइज करता है, कौन उनको रेगुलेटेड करता है? तो दीज गेम्स रेगुलेटेड बाई एशियन गेम्स फेडरेशन। ये पुरानी बात हो गई, पहले एशियन गेम्स फेडरेशन के द्वारा इन गेम्स का रेगुलेशन किया जाता था। पहले गेम्स से यानी नई दिल्ली में जब से इनकी शुरुआत हुई, और कब तक? ईयर 1978 तक। देन उसके बाद क्या हुआ होगा? देन उसके बाद ये हुआ कि 1982 के जो गेम्स थे वो गेम्स अब एशियन गेम्स फेडरेशन से हट करके कहाँ चले जाते हैं? ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा आयोजित कराए जाते हैं। यानी अब इन गेम्स का आयोजन कौन कराएगी संस्था? तो जो एशिया महाद्वीप की ओलंपिक काउंसिल है उस अथॉरिटी के द्वारा इनका किया जाता है। रीजन था, एशियन गेम्स फेडरेशन जो था उसमें ब्रेकअप आ गया था। इसके बाद इससे जुड़े और फैक्टर हम देख लेते हैं। इन एशियन गेम्स में जो स्पोर्ट्स या जो कंपटीशन होते हैं, प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, ये अलग अलग देशों में अलग अलग रहती है। द नंबर ऑफ इवेंट अकॉर्डिंग टू द एडिशन एंड द डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। जैसे भारत में आयोजन हुआ तो भारत ने कुछ गेम्स को ऐड कर लिया, ऐसे ही इंडोनेशिया में हुआ तो वहां पर ऐड हो गए। तो ऑन एन एवरेज 42 जो स्पोर्ट्स हैं वो इसमें रखे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये 2010, चूंकि हमारे देश में क्रिकेट का जुनून रहता है, तो मैं भी पूछ सकते हैं कि बताओ क्रिकेट को एशियाड गेम्स में कब इंक्लूड किया गया? तो एशियन गेम्स में क्रिकेट भी आ चुका है, 2010 के गेम से इसको इंक्लूड किया जाता है। ये एक पूरी टैली है, टेबल है कि कब गेम की शुरुआत हुई थी और अलग अलग ईयर में कहाँ कहाँ इनका आयोजन किया गया। यहाँ पर आप देखें 1951 न्यू दिल्ली में, 1954 मनीला में। हाँ, कुछ लोगों का अब क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने बोला था कि हर 4 साल बाद होते हैं, बट 51 के बाद 54 में ये तो 3 साल हुआ। तो उन लोगों के लिए मेरा आंसर है कि कभी कभी एक्सेप्शन शुरुआती दौर था, इन गेम्स का आयोजन 50 में होना था बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से 51 में रहा, लेकिन वो एक शेड्यूल बन गया, उससे चलता रहा।
तो 54, देन 58 टोक्यो में हुए, 62 जकार्ता, 66 बैंकॉक, 70 में फिर बैंकॉक, 74 में तेहरान, 78 में बैंकॉक, 82 में फिर न्यू दिल्ली में, 86 सियोल में, 90 बीजिंग में, 94 हिरोशिमा में, हिरोशिमा आप समझते हैं जहां पर न्यूक्लियर बम अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान गिरा दिया था, 98 में फिर बैंकॉक में, 2002 बुसान में, 2006 दोहा में, 2010 ग्वांगजू में और 14 इंचियोन में, और 2018 रिसेंटली जो गेम्स आयोजित किए गए थे वो इंडोनेशिया में आयोजित किए गए थे। 18 अगस्त को इनका आयोजन हुआ था, 2 सितंबर को ये खत्म हो गए थे। तो इस टैली को आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग डेट भी है, कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था। शुरुआत में प्रारंभिक गेम्स थे उस समय 11 देशों ने पार्टिसिपेशन किया, और ये 2018 के जो गेम्स थे इसमें 45 कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन किया हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। अब भारत और एशियन गेम्स की हम बात करें, भारत का एशियन गेम्स से क्या रिश्ता, क्या नाता रहा, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं। अब भारत जो है एशियन गेम्स में, ये उन देशों में आता है जिन्होंने हर एशियन गेम्स में पार्टिसिपेशन किया। इंडिया इज वन ऑफ द ओनली 7 कंट्रीज दैट हैव कॉम्पीटेड इन ऑल द एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स। यानी भारत उन देशों की लिस्ट में है जिन्होंने सभी, जब से 1951 से शुरुआत हुई और 2018 तक, आगे का पता नहीं, भविष्य किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हम ये तो कह ही सकते हैं कि भारत उन देशों की लिस्ट में है जिन्होंने हर गेम्स में पार्टिसिपेशन किया। पार्टिसिपेशन ही नहीं किया, हर गेम में कम से कम एक मेडल जीता। और वो देश कौन कौन से हैं, तो इंडोनेशिया, जापान, जिसको हम जापान बोल सकते हैं, और बल्कि हमारी देशी भाषा में हम इसको जापान भी कहते हैं। जापान एक ऐसा देश है जो उस स्थान पर है जहां अर्थक्वेक, भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, राइट। इसके बाद फिलीपींस, देन श्रीलंका, उसके बाद सिंगापुर, थाईलैंड, ये जो देश हुए 6, और इसके साथ एक हम जोड़ते हैं आपका देश जिसको हम भारत, तो ऐसे करके टोटल 7 कंट्रीज हो जाते हैं। एक और यहाँ पर फैक्ट है, बड़ा ही रोचक फैक्ट है, वो क्या फैक्ट है कि भारत ने हर गेम्स में कम से कम एक मेडल तो जीता, ये हमेशा हर गेम्स में अंडर 10 में भी रहा, यानी टॉप 10 जिसके हम 10 सुपर जो टीमें रहती हैं उनमें भी ये रहा था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब ये टॉप 10 देशों में नहीं आ पाया। वो कब हुआ वो भी देख लेते हैं, उसके पहले ये देख लें कि भारत में एशियाड गेम्स 2 बार आयोजित किए गए। पहला 1951 में जब इनकी शुरुआत होती है, इनॉग्यूरेशन होता है, और दूसरा जो गेम्स था वो 1982 में हुआ था, और ये भी हिस्टोरिक ईयर है। ये भी जीके में पूछते हैं, कैसे पूछते हैं आप लोग याद करो, जब एक क्वेश्चन आता है कि बताओ भारत में कलर टेलीविजन का ब्रॉडकास्टिंग कब हुआ था, तो महानुभावों, दिव्य आत्माओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1982 जब ये एशियन गेम्स चल रहे थे तो इसकी ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट की गई थी कलर टेलीविजन, है ना, रंगीन प्रसारण। ठीक, अब जो फैक्ट जो छूट गया कि हमेशा उसको मतलब टॉप 10 में आया था, एक बार 1990 में जब ये गेम्स थे चाइना में आयोजित किए गए तो हमारी जो एक रैंकिंग थी थोड़ी सी बिगड़ गई थी, और हमें जो स्थान या पोजीशन मिली थी वो 11th पोजीशन थी, 11वें नंबर पर रह गए थे। ठीक, ये भी आप याद कर सकते हैं। भारत ने अभी तक 1951 से अगर हम 2018 तक का इसका हिसाब करें तो टोटल मेडल जो हमारे पास मिले हैं एशियाड गेम्स में 671 टोटल, इसमें सिल्वर भी, इसमें गोल्ड भी, इसमें ब्रॉन्ज भी, राइट। गोल्डों की संख्या अगर अकेली पूछी जाए, अक्षय कुमार वाला गोल्ड छोड़ देना, वो एशियन गेम्स में नहीं है, तो गोल्ड जो एशियन गेम्स में भारत ने अभी तक जीते 154, सिल्वर मेडल की संख्या है 202 और ब्रॉन्ज मेडल की संख्या है 315, तो इन सब को टोटल करें इतना हो जाना चाहिए। कहीं कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो नो डाउट आप वो फैक्ट गूगल महाराज की सेवा लें, वहां से आपको ये फैक्ट करेक्ट मिल सकते हैं अगर कुछ डाउट रहता है। नेक्स्ट, और हम देखते हैं अब एशियन गेम्स 2018 के बारे में जो रिसेंटली अभी अगस्त में आयोजित किए गए थे। इन गेम्स का आयोजन हुआ था इंडोनेशिया में। ये कौन से थे अगर इनका क्रम पूछा जाए तो 18वें ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 18 गेम्स। डेट वाइज याद करें तो 18 अगस्त से 2 अक्टूबर 2018, इसमें 2 सितंबर 2018, इस गेम्स में 40 खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था, यानी 40 स्पोर्ट्स थे
और इसमें 465 इवेंट्स यानी इतनी प्रतिस्पर्धाएं रखी गई थी। क्लियर? अब यहां पूछी जा सकती है आपसे, चूंकि ये रिसेंटली करेंट का है तो आपसे टॉप थ्री जो देश हैं, बेशक इसमें आपका देश भारत नहीं है, मगर फिर इतना तो आप याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा यानी टॉप वन पर कौन रहा, तो चाइना। आजकल वो चीनी चीनी चिंग पोंग टिंग सभी जगह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग आजकल कास्टेज में बजरंगबली की कास्ट पता करने में लगे हुए हैं, है ना। हम देश को आगे नहीं, लोग झगड़ रहे हैं कि हमको पिछड़ी लिस्ट में सम्मिलित कर दो। ऐसा एकमात्र देश है जो अपने आप को बैकवर्ड लिस्ट में घोषित करने के लिए आंदोलन करता है। खैर, नो पॉलिटिक्स। तो ये पूछा जा सकता है, ये टैली है जिसमें चाइना इस टॉप पोजीशन पर आ, टोटल इसमें मेडल थे 289। ये भी याद कर लें थोड़ा सा कि 132 इसको गोल्ड मिले थे, सिल्वर 92 और ब्रॉन्ज 65। सेकंड पोजीशन जापान 75, 56, 74 और टोटल हो गया 205। और रिपब्लिक ऑफ कोरिया यहाँ थर्ड पोजीशन पर आया था, 49 गोल्ड लिए थे, 58 सिल्वर मिले थे, 70 ब्रॉन्ज। फिर आपके भारत देश को कैसे छोड़ सकते हैं श्रीमान। भारत को यहाँ टोटल मेडल मिले थे 69, जिसमें 15 गोल्ड, 24 सिल्वर एंड 30 ब्रॉन्ज। और भारत की रैंक 2018 एशियन गेम्स में 8th थी, 8वीं पोजीशन पर था, राइट। ये वो लोगों के नाम है जिनको गोल्ड मिला। इन नामों को आप एक या दो बार सरसरी तौर पर देख लें, पूछ सकते हैं कि ये प्लेयर किससे रिलेटेड है। ये नहीं पूछेंगे कि इन्होंने गोल्ड जीता एशियन में, नहीं, नाम दे दिया। जैसे रोहन बोपन्ना, अब रोहन बोपन्ना क्या करते हैं, कबड्डी खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो ये यहाँ से थोड़ा सा टैली हो सकता है कि रोहन बोपन्ना ये लॉन टेनिस का प्लेयर है, ठीक। ऐसे ही तेजिंदर पाल सिंह, ये एथलेटिक्स थे, नीरज चोपड़ा ये भी एथलेटिक्स थे, तो ये यहाँ पर किया जा सकता है। ये थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बेस्ट तो रहता है आप अपने हाथ से पेपर पेन नोट करें। एशियन गेम्स हैं जो अब कहाँ होंगे, तो उनको 2022 में चीन में आयोजित किया जाएगा। और इस प्रकार से ये आज का एशियन गेम्स की ये कथा समाप्त होती है। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।